लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर्मियों के किए जाने वाले मतदान संबंधित बैठक जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेन के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम एफआर विधान जायसवाल, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार सहित सभी एसडीएम और जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक में पोलिंग पार्टियों की रवानगी के पूर्व पोस्टल बैलेट से कर्मियों को मतदान किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई, जिससे मतदान में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिक भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ये सर हमारे सभी डिलीवरी वाले नहीं आए सर, और शाम से 4 बजे जो पेशेक का मीटिंग है उसमें वो हम लोग का किसी प्रतिनिधि होगा, आगे वाले आज मीटिंग उसका स्टाफ जो फैसिलिटेशन सेंटर में लगाने वाले हैं, और दूसरे सर जो ऑफिसर्स लगाए गए हैं सर ठीक है, जिनको वहाँ पे अटेस्टेशन करना है सर वो और सबके लिए 9 से 9, 10, 11 जो सेकेंड फेज 9 से 14 तक है सर, 9 से 14 जी। देखिए कल वापसी हो जाएगी, उसके बाद डाक मत पत्र छपेगा, तो ये डाक मत्र मत पत्र है आपका, ठीक है, इसको आप खड़ा इसको मोड़ेंगे इससे, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो आप मोड़वा देंगे इसे, इसको इसे रखकर ये 13B है, 13B में इसे रख देंगे, इसको रख दिए, इसको ये बंद कर दिए। इसके बाद ये 13A है दूसरा, जिसको आप सर्टिफाई करेंगे, इसको आप इसके साथ रखेंगे, आइए इसे देख लीजिए ऊपर, इसके अंदर नहीं रखा जाएगा, अंदर रखा जाएगा तो अवैध हो जाएगा मत पत्र। ये पहले इसमें ध्यान दे, बिना घोषणा पत्र का ये वोट लीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है, वही कार्य हो जाता है। जो घोषणा पत्र का यदि इसका अंदर आप रखेंगे तो फिर ये बोल नहीं पाएंगे, ये तो बिना घोषणा पत्र का 13B खोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने आप कार्य हो जाता है। पहले नंबर वन आपका घोषणा पत्र भरा हुआ है कि वो देखना है, वो प्रॉपर सिग्नेचर रहना चाहिए था उसमें, जो किससे प्रमाणित होना है वो कंसर्न ऑफिसर से प्रमाणित होना चाहिए था, और 13 ये है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना उसका ये पूरा वोट इनवैलिड हो जाता है। और दूसरा है उसके लिए कतई इसका अंदर 13B केवल मत पत्र रहेगा, इस पे वो कोई चीज नहीं रहेगा 13B, इसी का अंदर मत पत्र रख के फिर दूसरा घोषणा पत्र रख के फिर इस पे रखेंगे, ये घोषणा पत्र इसको ऊपर रख, इसमें आप डाल देंगे, ठीक है, ये डाल दिए, डाल कर ये बंद हो गया, वो बंद करेगा उसका ले जाकर वहां जो बक्स रहेगा उसमें डाल देगा, ठीक है। A, B, C और D ये तीनों डाक मत पत्र के लिए जरूरी है, आइए आपके बारे में समझा दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो, कोई अगर संदेह हो तो पूछ सकते हैं आप, ये चीजें आप लोग किसी को डाउट तो नहीं है, कोई शंका हो तो बताइए। आपका जो मध्य पेटी है उसके पास ही रहेगा, हम उसका ब्लू स्टिक आपको प्रोवाइड कर लेंगे, इसी पे करके कराना, दोनों लिफाफे बंद होगी, दोनों लिफाफा बंद होगा, जरूरी इसी से मिलान होता है। जो 13B में देखेंगे बाहर उस पर 3 चीज लिखा हुआ है, एक हाउस ऑफ पीपल यानी गोरखपुर है तो 64 रहेगा उसका, और बागगांव पे 67 रहेगा, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र 325-26 जो भी है वो कंसर्न विधानसभा क्षेत्र का वो नंबर रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर जो आप मत पत्र देते हैं उसके ऊपर सीरियल नंबर रहता है, चस्पा होता है, वही वैलिडिटी उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, हाँ ये
जेन्यून है तो पुराना है, फर्जी है, वो सारे वो नंबर इस पे तेरा बी में रहेगा। ये तीनों कॉलम भराना होता है, उसके बाद उसका अंदर मतपत्र रख करके ये पेस्ट हो जाएगा, ये जो हरा लिफाफा ये बंद हो जाएगा। उसके बाद घोषणा पत्र है तेरा, ये है तेरा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, ये भी पढ़ लीजिए। उस पर दो लोग का सिग्नेचर होता है, एक वोटर का होता है, फिर जो कंसर्न एसोसिएशन ऑफिसर उन्हीं का भी होता है, तब ये वैलिड होता है। कम से कम तो उस पर दो लोग का सिग्नेचर अनिवार्य होता है, नहीं तो ये तेरा ये भी मान्य नहीं होता है। ये जो तेरा से लिखा है का नाम लिख दीजिएगा टू द 64 गोरखपुर रिटर्निंग अफसर अपना भेज कर सेंडर यहाँ सिग्नेचर करेगा, तो ये सब चीजें तो अपना कर लेगा। फोटो लिखवा दीजिए, सांसदी क्षेत्र नंबर जी जी, विधानसभा नंबर कौन सी विधानसभा का क्या क्या नंबर, बड़े अक्षर में जी। वहाँ रेडियो साहब इसको नोट कर लीजिए, उसको पोस्टर बनवा लीजिए कराना है। और मेरा पाप में मिल गया हमारे जो ऊपर लिखा है के लिए निर्वाचन।